नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। ऊर्जा क्षेत्र के वैश्विक नेताओं ने भारत को तेल और गैस में निवेश के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताया है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 3800 से अधिक। भारत ने एनडीआरएफ के राहत और बचाव दलों के साथ राहत सामग्री का पहला दल भेजा। G20 पर्यटन की कार्यसमूह की पहली बैठक आज कच्छ के धोर्डो में शुरू होगी। केंद्र ने कोविड-19 महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से उनके प्रदर्शन और बोलियों से संबंधित जब्त की गई रकम वापस करने का निर्णय लिया है। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार जोरों पर और ऑस्ट्रेलिया के T20 विश्व कप विजेता अरुणा फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान भारत तथा दुनिया भर के ऊर्जा क्षेत्र के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने तेल और गैस में निवेश के लिए भारत को सबसे उपयुक्त गंतव्य बताया। बैठक के बाद पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव हैथम अल गैस ने कहा कि व्यापक चर्चा में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के भारत के भविष्य दृष्टिकोण को सुना। उन्होंने कहा कि ओपेक और इसके सदस्य देश किफायती और सुलभ ऊर्जा सुरक्षा की भविष्य योजना पूरी करने में मदद के लिए भारत के साथ हैं। I was really happy today. The Honorable Prime Minister Narendra Modi and the Honorable Minister of Petroleum. We had a very extensive dialogue and discussion where we listened to the views and the vision laid out by the Honorable Prime Minister for India, for India's modernization plans, and how energy and energy security and affordability and accessibility plays an important role to making that vision come to reality. We at OPEC and our member countries, we stand side by side with India in helping India to deliver on this vision and this plan. वेदांता रिसोर्सेज के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए भारत सबसे आकर्षक स्थल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात काफी अच्छी रही। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन इस महीने की 8 तारीख तक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऊर्जा गति में भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाना है। तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप के बाद मृतकों की संख्या 3800 से अधिक हो गई है। इन क्षेत्रों में हजारों लोग घायल हुए हैं, जबकि सैकड़ों लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। तुर्की और सीरिया के शहरों में बचाव दल मलबों की तलाशी कर रहे हैं और माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। दोनों देशों में कल 7.8 तीव्रता का भूकंप उस समय आया जब सभी लोग सो रहे थे। 1939 के बाद तुर्की में ये सबसे भयानक त्रासदी है। तुर्की, सीरिया, लेबनान, साइप्रस और इसराइल में करोड़ों लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। सुदूर डेनमार्क और ग्रीनलैंड में भी शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में तलाश अभियान और राहत कार्यों के लिए बहुत से देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ और इसराइल सहित पूरे विश्व से सहायता की पेशकश की गई है। भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्की में राहत सामग्री की पहली खेप भेज दी है। इसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के तलाशी और राहत दल, विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों के दस्ते, चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति, खुदाई करने वाली मशीनें और अन्य आवश्यक उपकरण शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट में कहा है कि भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत की क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। सरकार ने कल भूकंप प्रभावित तुर्की में राहत सामग्री के साथ तलाशी और राहत दलों को तत्काल भेजने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा ने तुर्की में भूकंप के बाद हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के निर्देश पर शीघ्र उठाए जाने वाले राहत कदमों के संबंध में एक बैठक की। G20 सम्मेलन के एक भाग के रूप में पर्यटन पर कार्यसमूह की पहली बैठक आज कच्छ के धोर्डो में शुरू होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज से शुरू होने वाली 3 दिवसीय बैठक में पर्यटन संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
आज से शुरू होने वाली इस 3 दिवसीय बैठक के दौरान पर्यटन संबंधित विविध मुद्दों पर विचार विमर्श के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को कच्छ का सफेद रेगिस्तान, प्राचीन हड़प्पा सभ्यता केंद्र और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल धोलावीरा और भुज में भूकंप स्मारक स्मृति वन जाने का अवसर मिलेगा। आज शाम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए कच्छ की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और भव्य रात्रि भोजन का आयोजन भी किया जाएगा। बैठक के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन और पुरातत्व पर्यटन पर 2 अलग अलग चर्चा सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। धोरडो में कल संवाददाताओं से बात करते हुए पर्यटन विभाग के सचिव अरविंद सिंह ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता के 5 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इनमें हरित पर्यटन, डिजिटलाइजेशन, कौशल विकास, पर्यटन से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा गंतव्य से संबंधित प्रबंधन के विषय शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने मंत्रालयों को आदेश दिया है कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान उनके प्रदर्शन और बोलियों से संबंधित जमानत और नुकसान के लिए जब्त की गई रकम वापस करें। वित्त मंत्रालय की ओर से ये आदेश वित्त मंत्री के बजट भाषण 2023-24 में विवाद से विश्वास एक योजना की घोषणा के बाद जारी किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपने भाषण में कहा था कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को राहत मिलेगी। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि लौटाई गई रकम पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। तीनों राज्यों की 60-60 सीटों के लिए मतदान होना है। त्रिपुरा में विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गज प्रचारक आज मतदाताओं को अपने पक्ष में आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी अगरतला में रोड शो करेंगी। सभी दलों के अन्य वरिष्ठ नेता भी रैलियां करेंगे और घर घर जाकर मतदाताओं से समर्थन मांगेंगे। मतदान 16 फरवरी को होगा। त्रिपुरा में भी विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गज प्रचारक आज मतदाताओं को अपने पक्ष में आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी दलों के अन्य वरिष्ठ नेता भी रैलियां करेंगे और घर घर जाकर मतदाताओं से समर्थन मांगेंगे। त्रिपुरा में इस महीने की 16 तारीख को 259 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य पर मुहर लगेगी। भाजपा के वर्तमान मुख्यमंत्री मानिक शाह पैसे से एक डेंटिस्ट है जो टाउन बोडवाली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बाम और कांग्रेस द्वारा समर्थित वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम रॉय बर्मन रामनगर सीट पर भाजपा के 5 बार के विधायक सुरजीत दत्त के खिलाफ है। दूसरी ओर मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक धानपुर विधानसभा सीट चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में कुल मिलाकर 22 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। कुणाल शिंदे के साथ मैं मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 10 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य में सभी 12 जिलों के लिए इस महीने की 27 तारीख को मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेघालय में चुनाव में व्यापक स्तर पर राजनीतिक परिवारों पर केंद्रित है।
मेघालय की राजनीति की बात करें तो यहाँ कई सियासी खानदानों का दबदबा आज भी कायम है। फिर चाहे वो संगमा परिवार हो, दखार खानदान हो या फिर लिंगदोह बहनों का कुनबा, सभी अपने अपने क्षेत्र में सियासी ताकत हासिल करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब इस कड़ी में एक परिवार का नाम भी जुड़ गया है, भाजपा नेता अलेक्जेंडर हैक का। इस बार वो अपने ही भतीजे रॉकी के खिलाफ चुनाव मैदान में है। लिंगदोह बहनों के नाम से मशहूर अम्परीन और जैस्मीन लिंगदोह अपनी खानदानी विरासत बचाने के लिए क्रमशः ईस्ट सिलोंग और नोंगथंग मई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में। गारो हिल्स इलाके में संगमा परिवार का भी ऐसा ही वर्चस्व है। राज्य की जनता 27 फरवरी को इस बात का फैसला करेगी कि इन सियासी परिवारों का कौन सा वारिस विधानसभा की चौखट तक पहुंच पाता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, शिलांग। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कल फ्रांस में वहां के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्रालय के महासचिव एन मेरी डेस्कोटेस के साथ विदेश विभाग से संबंधित मुद्दों पर मंत्रणा के लिए बैठक की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने जलवायु और ऊर्जा, संक्रमण, स्वास्थ्य और त्रिपक्षीय सहयोग सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। भूटान के राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष वांगचुक रामग्याल के नेतृत्व में वहां के एक संसदीय शिष्टमंडल ने कल संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने दोनों देशों की संसद के बीच सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया युवा खेलों के अंतर्गत आज तैराकी, जूडो, नौकायन और कई अन्य खेलों की प्रतियोगिताएं शुरू हो रही हैं। कल तमिलनाडु और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने भारोत्तोलन में नए कीर्तिमान स्थापित किए और स्वर्ण पदक जीते। ऑस्ट्रेलिया के T20 विश्व कप विजेता कप्तान एरोन फिंच ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके साथ ही उनके 12 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का समापन हो जाएगा। इससे पहले सलामी बल्लेबाज ने पिछले वर्ष सितंबर में 50 ओवर के प्रारूप से संन्यास की घोषणा की थी। फिंच ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 टेस्ट मैच भी खेले हैं। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का कल नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर युवा संगम पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं और भारत के अन्य क्षेत्रों को जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक पहल है। इसके अंतर्गत 20,000 से ज्यादा युवा देश भर का भ्रमण करेंगे और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं चंद्रिका जोशी। धन्यवाद कनकलता। तुर्की और सीरिया में आए शक्तिशाली भूकंप में हजारों लोगों की मौत की खबर आज के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। अखबारों ने इमारतों में मलबे और इसमें फंसे लोगों को निकालते हुए बचाव कर्मियों के चित्र भी दिए हैं। दैनिक जागरण लिखता है 7.8 तीव्रता वाले भूकंप से दोनों देशों में सैकड़ों इमारतें ढही, 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी। पंजाब केसरी लिखता है लेबनान और इसराइल में भी भारी झटके। दैनिक भास्कर ने तुर्की में आए भूकंप पर लिखा है 10 शहर तबाह। जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, दैनिक ट्रिब्यून, लोक सत्य और राजस्थान पत्रिका ने मदद के लिए भारत से एनडीआरएफ और चिकित्सा दल भेजे जाने की खबर प्रमुखता से दी है। देश के 11 राज्यों में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री शुरू, दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। दिल्ली मेयर चुनाव तीसरी बार टला, सुप्रीम कोर्ट जाएगी आप, जनसत्ता सहित अनेक अखबारों में है। देशबंधु ने लिखा है नामित सदस्यों को वोट की मंजूरी के बाद हंगामा। नवभारत टाइम्स लिखता है 2 आप एमएलए के वोटिंग राइट्स छिने तो बढ़ा विवाद। उच्चतम न्यायालय के वकील लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी के आज मद्रास हाईकोर्ट में न्यायाधीश पद की शपथ लेने और साथ ही उनकी नियुक्ति पर विवाद ने भी अखबारों का ध्यान खींचा है। जनसत्ता लिखता है गौरी की हाईकोर्ट में नियुक्ति पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। आईएनएस विक्रांत पर पहली बार हल्के लड़ाकू विमान उतारे जाने को राजस्थान पत्रिका ने ऐतिहासिक पल बताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऊर्जा क्षेत्र के वैश्विक नेताओं ने भारत को तेल और गैस में निवेश के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताया है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 3800 से अधिक। भारत ने एनडीआरएफ के राहत और बचाव दलों के साथ राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। G20 पर्यटन की कार्य समूह की पहली बैठक आज कच्छ के धोरडो में शुरू होगी। केंद्र ने कोविड-19 महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से उनके प्रदर्शन और बोलियों से संबंधित जब्त की गई रकम वापस करने का निर्णय लिया। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। त्रिपुरा में चुनाव प्रचार जोरों पर।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।